से ना पूछे, उलमा से पूछे ताकि आपके इल्म में इजाफा होगा।
जाहिली रह जाओगे। मैं बहुत दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, बहुत दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यानी बात ही अब कलाम अल्लाह क्या हुआ, तर्जमा करो। अल्लाह की बातें कुरान क्या है, अल्लाह की बातें है, समझे, उर्दू में समझा, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें है, वो अल्लाह का कुरान है, वो कुरान को अल्लाह शब्द बदलने होता था। अच्छा, इससे पहले कुरान को अल्लाह का कलाम है अपने, अल्लाह कहता जो मुझ पर ईमान रखता है, मैं वो
सुभान अल्लाह, तो फिर बताओ जो सबसे करीब है उससे प्यार क्या है, उससे मोहब्बत क्या है, उसका डर कहाँ है, उसका खौफ कहाँ है, उसके बाप पर खबर कहाँ है, अल्लाह के दीन पे हमारी खिदमत कहाँ है, अल्लाह के हुक्मों पर हम अमल क्या करते हैं, अजान अल्लाह की होती है, अजान वक्त होते वक्त हम खामोश कहाँ रहते हैं, अल्लाह की बातें होती हम इधर उधर की भागते फिरते हैं, अल्लाह की बातें होती भाग जाते हैं, बताओ कि जो ज्यादा करीब है हमने कितना हल्का समझ लिया। तो फिर जिस रब ने हमें वजूद दिया सर से पांव तक, ना खून के पल से सर के बाल तक, जो इतनी नेमतें पैदा किया, खाने को अल्लाह ने क्या नहीं पैदा किया, चलने को जमीन बनाया, सांस लेने को हवा बनाया, देखने को आंख पैदा किया, खाने चखने को जबान बनाया, पेट में हजम करने को अल्लाह ने मादर बनाया, शिकम बनाया, तो बताओ उस रब को क्या जवाब दोगे, जो सब कुछ दिया उसको तुम क्या जवाब दोगे। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे गुलामो, जब मेरे नबी ने अल्लाह की नेमतों पर गौर किया तो नबी रोने लगे, मौला तेरी नेमतों का चर्चा मेरी उम्मत कर पाएगी कि नहीं, तेरी इतनी नेमतें हैं मौला, तेरी नेमतों का शुक्र मेरी उम्मत कर पाएगी कि नहीं। मेरा नबी रोने लगा, मेरा मुस्तफ़ा रोने लगा, मेरे नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा की तरह हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी ने सहाबा को बुलाया और फरमाया कि सुनो सुनो, बनी इसराइल के एक शख्स है, वो शख्स 1000 साल तक राह खुदा में जिहाद किया है सुभान अल्लाह, और उसका बहुत बड़ा मकाम होगा, उसका बहुत उसकी बहुत बड़ी बुलंदी होगी, वो बहुत बड़ा मरातिब का मुआविर होगा। इतना कहा तो उतने में अल्लाह का जिब्रील आया और कहा कि महबूब खुदा, आपके सहाबा ताज्जुब हो रहे हैं, ये परेशान हैरान हो रहे हैं कि 1000 साल तक राह खुदा में उन्होंने जिहाद किया, 1000 महीनों के किसकी जिंदगी क्या है, आपके सहाबा अल्लाह को बड़ा प्यार आया, अल्लाह को बड़ा रहम आया, इसलिए मौला ने कुरान पाक की एक सूरत को भेज दिया सुभान अल्लाह। कदर तुझे मालूम नहीं, 1000 महीनों से शबे कदर बेहतर है, और इस रात में तरज़ल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते, फरिश्तों का इमाम जिब्रील उतरता सुभान अल्लाह, फरिश्ते उतरते, फुकहा किराम फरमाते हैं इतने फरिश्ते उतरते, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि फरिश्तों से अल्लाह की पूरी जमीन भर जाती है सुभान अल्लाह, और हर फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेके उतरते हैं। तो शबे कदर की रात में ये जमीन अल्लाह की रहमत वाली जमीन हो जाती है सुभान अल्लाह। आप जहां चले, जहां बैठे, जहां रहे, ये जमीन आज शबे कदर में ये जमीन की अहमियत और है, इस रात में जमीन की फजीलत और है। जब जमीन पर फरिश्ते उतरे तो जमीन की ये फजीलत शबे कदर उम्मते मुस्तफा के लिए है, अगर हम अल्लाह के लिए जागे तो फिर उम्मते मुस्तफा के लिए शबे कदर कितनी बड़ी। इसलिए नबी ने फरमाया कि जिसने शबे कदर पाली गोया उसकी शफात मैदान महशर में उसकी शफात हो गई सुभान अल्लाह, जिसने शबे कदर पाली गोया उसने जहन्नम से बच गया, जिसने शबे कदर को हासिल कर लिया नबी फरमाते उसने जन्नत का रास्ता पा लिया। अब कुछ न लड्डू खाने आते, जुमा मस्जिद का लड्डू बड़ा, वहां की मस्जिद मारूफ मस्जिद का लड्डू छोटा, वहां की बूंदी खा लिया का मीठा, वहां का पिपा यहाँ का तीता, इसी में डिस्कशन, इसी में बातें, इसी में मीटिंग, इसी में मसाला, इन्हें पता नहीं शबे कदर क्या है, लड्डू कहाँ बना उसकी खबर, लड्डू बिस्किट कहाँ से आया उसके बारे में खबर, और चाय कहाँ से बनी, दूध कहाँ का आया, ज्यादा दूध नहीं है, चाय फीकी फीकी है, चाय में मिठास ज्यादा है, चाय पत्ती कम है, मैं इसका तज़किरा, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, इकबाल ने कहा था यह मुसलमान अगर समझे तो अपनी तकदीर से दुनिया की तकदीर बदल ले। मुसलमान अपनी तकदीर खोया हुआ है, रात में जगकर तकदीर जगाना चाहिए तो खुद सोया हुआ है, समझते इमाम के पीछे नमाज पढ़ लूं, तरावी पढ़ लूं, काम हो गया, लड्डू फातिहे का तबरुक मिल गया, काम बन गया, नहीं नहीं शबे कदर को तुमने समझा नहीं, अगर शबे कदर को तुमने समझा, तुमने पा लिया, नबी के दुआ और सुनिए, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने शबे कदर पा लिया है अल्लाह उनके खानदान से तो अपने दीन इस्लाम की खिदमत करा ले। पता चला जो जगते रहेंगे ना बड़ी बदनसीबी, हमारे खानदान में
तो किसी औरत के साथ घूम रहा है, इसको हया नहीं है, क्योंकि नमाज के करीब आया नहीं। नमाज बेहयाई दूर करती है, हजरत ने फरमाया कुरान की आयत है, बेहयाई से दूर करती नमाज। नमाज के पास आया क्योंकि बेहया नहीं रहता। कुरान की तिलावत से इंसान की जिंदगी बदलती, कुरान पढ़ा नहीं जिंदगी खराब नहीं करेगा। वही बेटा बाप का नाम बदला, वही बेटा उस बाप का मरने के बाद मौलाना कुरान खानी कराओ, कितने कितने सौ लोग, कितने हजार लोग मौलाना ने कहा चल 2000 रख कुरान खानी कराओ, अगर तेरे बाप जन्नत चला गया, नहीं गया जन्नत जब बेटा नहीं पढ़ा, बेटे से कुछ नहीं मिला। कभी गौर करो, अगर तुम्हारे बाप को हमारे दादा को जो सवाब पहुंचता है आज भी मदरसे के बच्चों से सवाब पहुंच रहा है, आज भी औलमा से सवाब पहुंच रहा है। वरना हमारी कौम कहां सीखा, कहां बच्चे को सिखाया, इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश में अमेरिका और अंग्रेज की जबान नहीं, इंग्लिश तो हजरत आदम अलैहि सलाम की जबान, तेलुगु तो हजरत आदम अलैहि सलाम की जबान है, हिंदी बंगला मराठी सब आदम अलैहि सलाम की जबान है। लोग हैरान हो गए, आदम अलैहि सलाम हैदराबाद में पैदा हुए थे क्या, तेलुगु उनकी जबान कैसे, तेलंगाना में क्या, अमेरिका में पैदा हुए थे अंग्रेजी जबान। सुनो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को 7 लाख जबान देता और दुनिया में गिनोए थी जबान नहीं मिलेगी। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 300 जबान है और दूसरे मुल्कों में 200-300 में घुटना टेक, सबको मिला लो तो लाखों लाखों जबान बन सकती है। लेकिन जितनी जबान अल्लाह ने आदम को दी थी, आदम इंसानों के बाप है, वो जहां जहां गए हैं, वो जिस नजर से देखे हैं, वहां वो जबान बन गई है। अच्छा आदम नबी है तो उनको 7 लाख जबान है, और नबी के बारे में पिता कहता कि नबी अनपढ़ है, माशाल्लाह बेवकूफ। नबी आदम के जिस्म में जब रूह टिकी ना तो आंख खुली गई, पहले क्या खुली थी, आंख खुली। और हम लोग आज क्या खुलता, पहले मुंह खुलता, पहले लड्डू खाते हो, ईद में भी मसाले उड़ते हैं तो आंख खुलती, मेरे एक मुंह मिल जाता जल्दी से ही, आंख खुलते नहीं वो करके खा लेते फिर सो जाते, होता है कि नहीं साहब, हमारा मुंह खुलता है लेकिन वहां आदम की आंख खुली। तो पहले आंख से क्या देखा, पहली नजर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो अल्लाह की इताअत पर, नबियों की इताअत पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की कुदरत की ताकत पर। अभी आदम अलैहि सलाम फजर की नमाज पढ़े, अभी तो उनको बनाया नहीं गया, अभी नमाज पढ़े नहीं, अभी दूसरा कोई भी कलमा पढ़े नहीं, सबसे पहले कलमा पढ़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा कलमा पढ़ा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभानअल्लाह। आज इसी कलमा को नमाज के इंशाअल्लाह आने वाला दिन और ज्यादा ही रहेंगे। ना कुरान कभी मिटा है, ना मिटेगा, ना मिट सकता है, क्योंकि कुरान जब तक है तब तक दुनिया कायम, जिस दिन कुरान नहीं अल्लाह का दुनिया, जब तक कुरान है तब तक दुनिया बाकी है, कुरान नहीं तो ये दुनिया नहीं रहेगी। तो आदम अलैहि सलाम ने क्या पढ़ा, कलमास रोजा कुछ भी नहीं, पहले कलमा पढ़ा और समझ गए कि मुझसे पहले भी एक जात है और जात साथ है मोहम्मद है, उसी नबी के सत्ते में हजरत आदम की तौबा भी कबूल की गई। सुभान अल्लाह, हजरत आदम सलाम कितने सौ साल में एक बार बता भी दिया था, जो बात बोल देता हूँ दोबारा बोलने का नहीं करता, लेकिन आपके दिल में मेरा इजाफा हो रहा है। 2200 साल में, कितने सौ साल, 2200 साल। हम और आप तो 2 मिनट भी नहीं बोलते, 2 मिनट तो मशीन में ज्यादा हो गए तो फिर मशीन के कीड़े हमें काट से लगता है, लगता है कि पेट पे जो है खाना जब कीड़े बनता वो काटता है जल्दी जल्दी, 3 मिनट ज्यादा हो गया, बाहर बाजी भाई अकील भाई फला भाई इंतजार कर रहा है। अरे मुसलमान तेरा जिस्म मशीन में दिल बाहर धड़क रहा, तुम मशीन में, तुम नमाज में, दिल धंधे में, ये कौन सी नमाज है, जो दिल धंधे में हो वो दिल धंधा वाला दिल गंदा होता है, दिल को सुथरा कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के पास आए, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देखता हूँ, अल्लाह से मैं मुलाकात कर रहा हूँ, इस तरीके से नमाज पर नमाज भी हो जाएगी, नमाज की फजीलतें भी मिल जाएगी। नमाज अलग तरीके से हजरत आदम 2200 साल आप रोते रहे, उसके बाद अजान दी गई, जिब्रील को अल्लाह ने भेजा अजान दीजिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया तो कहा इसी नाम के बदौलत मिले अल्लाह मेरी तौबा कबूल करो। तो नबी सब हुआ, नबी तमाम नबियों के तमाम इंसानों के बाप है हजरत आदम, और मेरे नबी के सबब से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। सुभान अल्लाह, वहां से पता
इंसान के सीने में नूर पैदा करती है। और ये नमाज जो पढ़ता है मरने के बाद, मरने के बाद आप लोग मरने जाते ही नहीं। आजकल एक जुमला है, किसी को दुआ दीजिए, लेकिन ऐसे बोलते थे ये हम सब क्या है कि अफसोस करके कोई फायदा नहीं। वहां तो बेनवाजी का ठिकाना कारून हमान के बड़े बड़े काफिलों के साथ बेनवाजी को नहीं पता। वो लोग फिरौन और कारून के साथ जहन्नम में कुचल दिया जाएगा। हम समझते हैं हमारे मीटिंग में कामयाबी की मीटिंग है, हमारी नौकरी भरी बहुत कामयाबी वाले नहीं। अगर नौकरी के साथ हमने अल्लाह की इबादत की है, इधर नबी कहते हैं किस वक्त कोई दाढ़ी पे
फैसले कर ताकि हम सुधरे। मैं भरते जमाने में कुछ लड़कों को देखा कि वो दाढ़ी बनाते थे, दांत साफ करते थे, मूंछें बनाते रोज रोज। क्यों क्या था, ये उम्र है, इस उम्र में ऐश करो, यानी मस्त तो है ना, चाहे कुरान पढ़ो, कुछ पढ़ो, कुरान पढ़, नमाज पढ़ो, मगर पहले नफ्स को कंट्रोल। वो जो नफ्स को नहीं कंट्रोल करते कहते हैं अभी एंजॉय करो, गाल का छिला दो, इधर का छिला दो, दाढ़ी डिजाइन का बनाओ, फुटिया फटेंगे, लड़कियां फटेंगे। आज तक उन लड़कों की शादी नहीं, आज तक इधर गौरत हुआ करो। और सबसे बड़ी लाल तो प्रिय देखी, उनमें से 100 में से 2-4 हाफिज आलिम बने, बाकी सब छुचुंदर बन गया। कोई एक फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, कोई दूध फैक्ट्री में, कोई रिक्शा, कोई ऑटो चला रहा, इस तरह के काम कर रहा। मैंने कहा देखा, इसने लड़की के लिए किया था, इसीलिए इस पर लानत हुई और इसकी जिंदगी बेकार हो गई है। और मैंने मदर से उन बच्चों को भी देखा कि जो दाढ़ी रखे कर रहे हो, भेड़ लगाएंगे, मेरा रसूल नाराज हो जाएगा। अरे भेड़ लगा के नदी की गलत में मैंने लगाऊ, मैं कैसा नबी का बोला, मैं नबी की कैसे हूँ नदी। अल्लाह अल्लाह, आज तक उनकी इज्जत महफूज है, आज तक उनका रुतबा महफूज है। अगर उन पर कोई अंगुल को खुशाई करते हैं तो वो सब्र करते कि नबियों को जालिमों ने गाली दिया। अगर कोई किसी के बारे में बुरा कहे ना तो अपना मैं कहूँ, क्या पता वो कीचड़ उछाल रहा होगा, वो कीचड़ उछाल के गुनाह कर उसकी बात को तुमने मान लिया, उससे बुरा में आप भी शरीक हो जाए। इसलिए किसी की बहकाई बात में ना जाओ जब तक तहदीक ना हो, और पता चल जाए कि वाकई इस इंसान ने गलती किया, खता किया, गुनाह किया, तो उसको मजाक ना होगा, अरे फला का बेटा ऐसा किया, फला मौलाना ऐसा किया, फला मौजा साहब ऐसा, फला फला फला, ये हंगामा नहीं। अगर किसी ने गुनाह किया ना तो उसको एक ही गुनाह का गुनाह हो, मगर अगर आपने अगर किसी के गुनाह को फैलाया तो गुनाह जब तक फैलता रहेगा आपको गुनाह मिलता है। गुनाहगार से ज्यादा गुनाह को फैलाने वाला बुरा मत मानिएगा, इस गांव की फितरत है, इसलिए हमारे गांव की फितरत है। गांव में देखो एक छोटी बात हो जाए पूरे पूरे गांव में फैल जाते, उसमें तहकीक नहीं करते ये सही है या गलत। अगर सही है तो उसके पास जाए, हम सब उठाए, पहले तो हमको तरीके में रहे, उसको तरीके में जाए। खुद हमारा दामन गंदा है और दूसरे को सुथरा कर लेते हैं, खुद अपना कपड़ा खराब है, दूसरे का कपड़ा साफ कर, दूसरे का दामन चढ़ा कर। नहीं मुसलमानों, मेरे नबी के तरीके पे आओ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो अगर किसी दूसरे के दिल के दर्द को महसूस किया छोड़ दो उसको, तुम सब्र करो, वो गाली देता तुम चुप रहो, वो गाली देके बुरा कर रहा है तुम चुप रह के नेकियां कर लो, वो तुम्हारे मन में मजाक उड़ाता तुम छोड़ दो। अल्लाह का डर सीने में पैदा करो और नबी का इश्क सीने में बसा लो। डर कैसा हो, एक हदीस पाक कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, सिद्दीक अकबर जब दुनिया से पर्दा कर गए तो आपके बाद फारूक आजम की हुकूमत। कौन बादशाह है, फारूक आजम, फारूक आजम हाकिम है। और फारूक आजम ने देखा कि मेरे दोस्त अबू बकर का इंतकाल के बाद उसकी बीवी बेवा बन गई है, तो मैं क्यों ना उस बेवा का उसको मैं अपने सुहागन बना लूं, अब आज उनको सुहागन क्यों ना बना लूं, एक टूटे हुए दिल का दिल क्यों ना जोड़ लूं। आपने निकाह फरमा दिया, किनसे, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेवा से, उनके बेवा से, अबू बकर की बीवी से वो इंतकाल हो गए। अब उनकी जिंदगी कैसी रहेगी, अबू बकर की याद तड़प की रहेगी, आओ उस दर्द भरी औरत को सहारा दे दो। हजरत फारूक आजम ने निकाह फरमा लिया। आज निकाह करते, आज तो चाहते बस हम जैसे हैं, हम मास्टर तो हमको भी मास्टरिंग चाहिए, हम डॉक्टर तो डॉक्टरिंग चाहिए, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग चाहिए, हम जैसे वैसे ही, हमारे पास 3 करोड़ की बिल्डिंग है तो 5 करोड़ वाले की बेटी से हमारा रिश्ता हो, ये हमारा मिजाज है। लेकिन वो अबू बकर है कि एक औरत को अगर मैं सहारा दे दूं अल्लाह की रहमत मेरे सर पे साफ़ता बन जाए। सुभान अल्लाह, आपने निकाह फरमा लिया। और आज का कोई खबर आप होते तो कहते बता वो मेरा तेरा क्या अच्छा था, मैं अच्छा हूँ, मैं तो हाकिम हूँ, वो हूँ, क्यों अपनी पढ़ाई कब्र में तुमको पता चलेगा, मैदान महशर में पता चलेगा कि हमने इल्म कितनी बड़ी दौलत और नेमत है, इसकी कदर छोड़ दी। मुसलमानों इल्म की कदर करो, और इल्म वालों के पास इल्म सीखकर जिंदगी रोशन, कब्र रोशन, असर रोशन किया करो, वरना यहाँ भी तबाह वहां भी बर्बाद हो जाओगे। किसी ने तुमको बर्बाद नहीं किया, हमने हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया, इसलिए अपने आप को खुद से रोशन करो, शौक पैदा करो, शौक पैदा करो। जो सिद्दीक दिन भर दिन की खिदमत करे, रात भर दीन इस्लाम की फिक्र करे, वो अपने मौला अगर इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद, शब-ए-कदर बनाने वाले सब कोई जिंदाबाद।
रुतबा बढ़े गए, पीके के खातिर
آمین توبہ قبول فرمائیں ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں ہم سب کے گناہ سرائے قبائے کو معاف فرمائیں آمین مولا جتنے بھی عالم اسلام کے مسلمان مولا کریم کی مولا کی حالت پر دنیا سے چلے گئے مولا تمام مسلمان تمام مومنوں کو مولا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں مولا جتنے بھی باحیات ہیں سب کے دل میں بے عمر بے 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 برکت عطا فرمائیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بول بالی عطا فرمائیں حبیب کے صدقے مولا تو اپنے زبان عطا فرمائیں تیرے حبیب علیہ السلام کے صدقے مولا ہم سب کو تیرا خوف عطا فرمائیں تیرے خوف سے ہم سب کے سینہ کو منور فرما تیرے نبی کے نور سے ہم سب کے سینہ کو روشن فرما تیرے نبی کے عشق سے ہم سب کے سینہ کو مزین فرما تیرے نبی کے آل کی محبت سے ہم سب کی زندگی کو خوشحالی فرما ہم سب کی زندگی کو سلامتی فرما ہم سب پر بھلائی فرما ہم سب پر اپنی خیر فرما اپنی خاص رحمتیں فرما ہم سب پر برکت عطا فرما تیرے نبی کے صدقے مولا ہم سب کو میدان محشر کے کامیابی عطا فرما قبر کے منزلات کے لیے تمام انتظامات کرنے توفیق عطا فرما تیرے نبی کی محبت میں زندگی گزر بسر کرنے توفیق عطا فرما تیرے محبوب کی پیاری پیاری سنت و پرور کی توفیق عطا فرما اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرما بد نظر بدگمان بد عقیدوں سے حفاظت فرما جو نبی کو ولی کو اولیاء کو بزرگوں کی توہین کرتے مولا ان کو نہیں مانتے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما گمراہوں کو تو دور فرما ان گندگیوں سے ان گندے گندے عقیدوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما تیرے نبی کے صدقے میں تیرے نیک بندوں کے صدقے مولا ہم سب کو بھی ایک نیک متقی پرہیزگار تقوی شیار بنا دے تیرے نبی کے صدقے مولا ماہ رمضان کے روزے کو قبول فرما ماہ رمضان کی برکت عطا فرما ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما شب قدر کے فیض و برکات سے مالا مال فرما شب قدر کی برکت عطا فرما فرشتوں کی دعائیں عطا فرما جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جبریل علیہ السلام کی دعائیں عطا فرما جبریل علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کی شفاعت فرما تیرے محبوب کی زیارت نصیب فرما خوابوں میں تیرے نبی کی زیارت نصیب فرما مرنے سے پہلے تیرے محبوب کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما تیرے محبوب کا گنبد دیکھنے کی نصیب فرما حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما تیرے نبی کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما تیرے نبی کے